नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। यह संविधान का भाग 9 है। आप संविधान का भाग 1 से 8 देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए संविधान भाग 9 को हम शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 19, यानी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि कौन से अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी दल बदल से, ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंचायती राज से, यानी संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 114 का संबंध है। ऑप्शन ए अपवादानुदान से, ऑप्शन बी लेखानुदान से, ऑप्शन सी धन विधेयक से, ऑप्शन डी विनियोग विधेयक से। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनियोग विधेयक से, यानी अनुच्छेद 114 का संबंध विनियोग विधेयक से है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 123, यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 51, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1976 में, यानी जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, वर्ष 1936 में इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की संस्तुति पर जोड़ा गया। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी बलराम जाखड़ कमेटी, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति पर जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में उल्लेखित हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 का, ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 4 का, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी 38वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 42वें। तो इसका जो सही आंसर है वो है 42वें, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20।
तो इसका जो सही आंसर है वो है 11, यानी भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 57, यानी अनुच्छेद 57 के द्वारा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 61, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, यानी भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, यानी भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, और जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।